खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जहां डॉक्टर प्रीतिंदर सिंह के कड़े एक्शन के बाद हरकत में आई ट्रैफिक पुलिस। ताजनगरी के सभी चौराहों पर चला रही चेकिंग अभियान। इसी क्रम में ADCP ट्रैफिक अरुण चंद्र के नेतृत्व में ACP छत्ता R.K. सिंह ने थाना एतमादौला के रामबाग चौराहे की ट्रैफिक व्यवस्था को परखा। पुलिस ने चौराहे पर अव्यवस्थित तरीके से खड़ी हुई ठेल धकेलों को हटाया। वहीं बिना हेलमेट पहने वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट देकर भविष्य में हेलमेट पहनकर वाहन चलाने के लिए बताया। इससे पहले पुलिस ने ऑटो में अवैध रूप से आगे की तरफ लगाई गई सीटों पर भी कार्रवाई की थी। ट्रैफिक पुलिस ने ऑटो में से आगे की तरफ लगाई गई सीटों को मौके से ही हटाया। और ट्रैफिक कंडीशन भी उसी के हिसाब से हो रहा है। रामबाग चौराहा आगरा महानगर का प्रवेश द्वार है, जहाँ पे फैजाबाद जनपद से अलीगढ़ हाथरस और एटा है, यहाँ पे वाहन आते हैं। यह शहर का सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये चौराहे से भारी वाहनों का भी आवागमन होता है। तो हम लोग को पहली चीज तो अस्थाई जो अतिक्रमण है उसको व्यवस्थित करा रहे हैं, उसको हटवा रहे हैं। और 50 मीटर तक का क्षेत्र नो एंट्री जोन होगा। इसके अलावा नगर निगम द्वारा ऑटो और टेम्पो का स्टैंड उठाया गया था दिसंबर 2022, तो उसके व्यवस्थित करा के मार्किंग कराई जा रही है। और साथ साथ रोड में ही जो छोटे मोटे काम हैं उसको हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं, नगर निगम के सहयोग से कराया जाए। सर, अभियान कुछ समय तक चलता है, उसके बाद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पाती है, फिर से वही डर रहता है। आप कुछ सही कह रहे हैं, व्यस्तता की वजह से, मौसम की वजह से, आज की स्थितियाँ उत्पन्न होती है। बाहर ये जिम्मेदारी चौकी चार रामबाग को दी गई है कि पुनः अतिक्रमण ना होने पाए और ये अभियान सप्ताह में एक बार चलाया जाए। लेकिन जो आप कह रहे हैं जैसे जो स्थिति सुधरेगी तो उनको हम लोग सुधार दें, और ये अनवरत अभियान चलता रहेगा, तो इस प्रकार की जो शिकायत है उन्होंने जी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।